नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 11 जनवरी 2023, दिन है बुधवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रकम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब घर बैठे कर सकेंगे क्राफ्ट प्रोडक्ट की शिकायत, सरकार लेकर आने वाली है ये नई सुविधा। क्राफ्ट प्रोडक्ट और सेवाओं की शिकायत करना आसान होने जा रहा है। जल्दी आप घर बैठे अपने किसी भी खराब प्रोडक्ट से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जल्दी आप उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत का स्टेटस भी यहां पर इसका जो अपडेट है वो भी देख सकेंगे। इसे खराब उत्पाद और सेवाओं की शिकायत आसान यहां पर होगी। वहीं इसके अलावा ग्राहक अपनी शिकायत से जुड़े दस्तावेज भी इसमें यहां पर भेज सकेंगे। वही ग्राहक व्हाट्सएप पर शिकायत का स्टेटस भी ट्रैक कर सकेंगे। वही उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय जल्दी यहां पर व्हाट्सएप के जरिए शिकायत लाना की जो शुरुआत है वो करेगा। आपको बता दें कि हर साल हेल्पलाइन पर लगभग 7 लाख से ज्यादा जो शिकायतें हैं वो दर्ज होती है। वह आंकड़ों के मुताबिक आधी से ज्यादा शिकायतें जो है फोन हेल्पलाइन के जरिए दर्ज होती है। वही 10 भाषाओं में 50 से ज्यादा हेल्पलाइन नंबर जो है वो यहाँ पर खोली गई है। वही गौर करने वाली बात यह है कि 90% शिकायतों का निपटारण जो है हेल्पलाइन के जरिए ही होता है, जबकि बाकी कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने की सलाह उनको यहाँ पर दी जाती है। बात करते हैं अगली खबर की। तो 1 अप्रैल से बढ़ेगा पीएम किसान योजना का पैसा, 6,000 की बजाय मिलेंगे इतने रुपए। 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले आम बजट से नौकरी पेशा और किसानों दोनों को यहां पर काफी उम्मीद है। इस बार नौकरी पेशा को आयकर छूट के मामले में राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा किसानों के लिए अच्छी खबर यह आ रही है कि वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उनकी तरफ से की जाने वाली घोषणाओं पर इस बार यहां पर सबकी निगाहें रहेगी। दरअसल बात यह है कि साल 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से कुछ लोक लुभावने वादे भी किए जा सकते हैं। दरअसल सूत्रों का दावा है कि इस बार बजट में केंद्र सरकार जो है किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। वही सूत्रों का कहना है कि किसान सम्मान निधि योजना में हर साल मिलने वाले 6,000 रुपए की राशि को बढ़ाए जाने की उम्मीद है। सरकार ये फैसला किसानों की आमदनी को बढ़ाने का मकसद से यहाँ पर कर सकती है। यह भी बताया जा रहा है कि किसानों को 3 किस्तों में दी जाने वाली राशि को 3 की बजाय यहाँ पर 4 बार यहाँ पर दिया जा सकता है। इसमें हर तिमाही में 2,000 रुपए दिए जाने की उम्मीद है। वह भी हर 4 महीनों में यहाँ पर किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन बदलाव के बाद हर 3 महीने में 2,000 रुपए यानी सालाना यहाँ पर 8,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी 6,000 की बजाय 8,000 रुपए दिए जाएंगे। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13 जनवरी 2023 में आने की उम्मीद है। इससे पहले सरकार की तरफ से किसानों के खाते में सीधे 12 किस्तों का जो राशि है वो यहाँ पर ट्रांसफर की जा चुकी है। बात करते हैं अगली खबर की। तब बिना दस्तावेजों के अब आधार कार्ड में अपडेट हो सकता है, एड्रेस बस करना होगा ये छोटा सा काम। आधार कार्ड की मदद से कई काम आसान हो सकते हैं। आधार कार्ड आजकल कई सारे सरकारी कामों के लिए अनिवार्य है। वही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय के जरिए आधार कार्ड यहां पर जारी किया जाता है। वही आधार कार्ड में कई बार एड्रेस अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है, ऐसे में ये काम अब परिवार का मुखिया भी यहां पर करवा सकता है। बात यह है कि जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है उदय, उसने नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के अनुसार अब आधिकारिक दस्तावेजों का उपयोग के बिना आधार कार्ड में पता यहाँ पर बदला जा सकता है। नए नियमों के तहत कोई व्यक्ति परिवार के मुखिया की सहमति से माय आधार पोर्टल पर अपना जो पता है वो बदल सकता है। वही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक सुविधा प्रदान करता है जहाँ व्यक्ति अपने परिवार के मुखिया की अनुमति के आधार पर कार्ड में पते को बदलवा सकता है, ऑनलाइन अपडेट कर सकता है। वही नागरिकों को अपने माता पिता का नाम और पति या फिर पत्नी का नाम न होने के मामलों में सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। वही आधार में परिवार के मुखिया को ऑनलाइन कैसे अपडेट किया जाता है इस बारे में यहाँ पर उदय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ये काम यहाँ पर करना होगा। वहाँ जाकर इसमें आप यहाँ पर ये अपडेट कर सकते हैं। उदय की ऑफिशियल वेबसाइट है myaadhar.uday.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना पता अपडेट करवा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने शुरू की है नई योजना, होगा 1107 का फायदा। अगर आप राशन कार्ड धारक है तो ये खबर आपके लिए काम की खबर। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं शुरू की गई है। इसके अलावा कई राज्य सरकारों की ओर से भी अलग अलग योजनाएं यहां पर चलाई जा रही। इसी क्रम में तमिलनाडु सरकार ने पिछले दिनों पोंगल पर गिफ्ट देने का ऐलान किया था। इसके तहत सीएम एम के स्टालिन ने पोंगल पर के मौके पर राशन कार्ड धारकों को
1,000 रुपए देने का निर्देश यहाँ पर दिया था। दरअसल अब सरकार की तरफ से जरूरतमंदों को यहाँ पर इसका फायदा दिया जाना शुरू हो गया है। वहीं राज्य की सरकार की तरफ से इस योजना को 9 तारीख से लॉन्च किया गया है। इस दौरान पात्र राशन कार्ड जो परिवार धारक है उनको 1,107 रुपए के पोंगल गिफ्ट हैम्पर का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। वही सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार गिफ्ट हैम्पर में 1,000 रुपए की नगद राशि के अलावा 35 रुपए 20 पैसे का 1 किलो चीनी और इसके अलावा 39 रुपए की 1 किलो यहाँ पर चीनी और इसके अलावा यहाँ पर 30 रुपए का पनीर भी यहाँ पर दे रहे हैं। टोटल मिलाकर 1,107 रुपए होते हैं। इससे यहाँ पर राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। वही राज्य सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 2 करोड़ राशन कार्ड धारकों को पोंगल का जो गिफ्ट हैम्पर है वो दिया जाएगा। वह करीब 1 हफ्ते पहले योजना को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुरू किया था। सरकार की तरफ से टोकन वितरित किए गए हैं। वह सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर लगभग 2,356 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जो है वो सरकार के ऊपर पड़ेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किए हैं निर्देश। अब NMM ऐप से लगेगी मनरेगा के कामगारों की हाजिरी। मनरेगा कामगारों की हाजिरी अब जो है NMM ऐप यानी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप से यहां पर लगेगी। इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है, वो जारी कर दिया है। वही जो प्रावधान है वो 1 जनवरी 2023 से लागू हो गया। इस बारे में जानकारी देते हुए पंचायती राज विभाग के प्रवक्ता ने बताया है कि NMM जो ऐप है उसे हाजिरी लगाने के संबंधी निर्देश जो है वो राज्य सरकार को यहाँ पर 23 तारीख को यहाँ पर जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 27 में प्रावधान है। इस अधिनियम के प्रभाव को क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश दे सकती है। इसके तहत भारत सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही और कार्य करने में सुगमता की दृष्टिगत मनरेगा के तहत कार्यस्थल में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप के तहत हाजिरी लगाने का प्रावधान किया गया। इस कार्यक्रम से जो निगरानी है वो और बढ़ेगी। इस ऐप के प्रयोग से मनरेगा के तहत रोजगार की मांग पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा, ना ही कार्यस्थल पर कामगारों के लिए किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न होगी, बल्कि इसे वास्तविक समय में हाजिर लगाने की सुविधा सुनिश्चित होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी वालों को लगेगा बिजली का जोर का झटका। सरकार 23% तक बढ़ाएगी दाम। योगी सरकार नए साल से यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका दे सकती है। दरअसल राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए सरकार बिजली दरों में 18% से लेकर 23% तक की बढ़ोतरी की तैयारी में है। वही इस बाबत में बिजली कंपनियों ने एक प्रस्ताव भी विद्युत विनियामक आयोग को सौंपा है, जिसमें बिजली की औसत दर जो है 15.85% बढ़ाना का सुझाव जो है यहाँ पर दिया गया। इससे पहले आयोग ने 52,546 करोड़ रुपए के राजस्व की जरूरत जो है यहाँ पर बताई थी। वही बिजली कंपनियों की ओर से सौंपे गए प्रस्ताव में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली दरों में 18% से 23% तक की बढ़ोतरी करने और उद्योगों के लिए 16% और खेती किसानी के लिए 12% बढ़ोतरी का सुझाव यहाँ पर दिया गया है। वह सरकार ने 1 किलोवाट बिजली लोड और पूरे महीने 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की दरें 17% बढ़ाने की बात कही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना को लेकर बड़ी खबर देखिए। ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट हवा में मौजूद, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कही है बड़ी बात। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड-19 के ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट जो है BA.2 और XBB से लेकर BQ.1 हवा में मौजूद है, लेकिन इससे संक्रमण से कोई मौत यहाँ पर नहीं हुई है। वही मंत्रालय ने बताया है कि 324 कोविड पॉजिटिव नमूनों की सेंटिनल सीक्वेंसिंग से समुदाय के सभी यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की उपस्थिति का पता चला है। जिन क्षेत्रों में इन वेरिएंट का पता चला है वहाँ मृत्यु दर में वृद्धि नहीं हुई है, यानी मृत्यु दर में वृद्धि यहाँ पर नहीं हुई है। वही टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार दिसंबर के अंत तक भारत में 200 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने ये बात सामने आई है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण विभाग ने 24 दिसंबर 2022 से विभिन्न हवाई अड्डों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए परीक्षण शुरू किया है। तब से विभिन्न हवाई अड्डों पर 7,786 उड़ानों से यहाँ पर 13,57,243 यात्री भारत आए, जिनमें 29,000 यात्रियों के RT-PCR परीक्षण किया गया।